अभी हम बैठे हैं चंडी घाट पे, उस साइड नदी के उस साइड हमारा उधर आश्रम था, तो उधर मैंने बैग रख के आया है। तो मनसा देवी टेम्पल सामने ऊपर पहाड़ पर, उधर हर की पौड़ी है और ये है चंडी घाट। और यहाँ से मुझे जाना है ऊपर चंडी देवी टेम्पल में। चंडी देवी टेम्पल जो ऊपर पहाड़ी पर है, तो ऊपर पहाड़ी पर हम उधर से जाएंगे गेट, मेन गेट से, और उसके बाद ऊपर की ओर चढ़ाई करने वाले हैं। सबको लगता है कि यात्रा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन उतना ही मुश्किल नहीं है जितना लोग सोच लेते हैं। क्योंकि जब तक आप नहीं निकलेंगे ना, तब तक आपको डर लगेगा, और जब एक बार निकल जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे मैं हरिद्वार आ गया, मुझे एक दिन का ऋषिकेश में बुकिंग किया, फिर मैंने काउच सर्फिंग और भी डाला था, तो मुझे वहाँ भी रहने के लिए मिल गया फ्री में। मैं वहाँ पर फ्री में रह लूँगा, और मैं जहाँ पर बुक किया हूँ काफ़ी सस्ता है। मैं वहाँ पहुँची आपको बता दूँगा कितने का मैंने रूम बुक किया, और यहाँ पर तो मुझे एक रुपये भी नहीं लगा। कल रात को स्टेशन पर रुक गया, आज वहीं पर कैंपिंग कर लूँगा, और फिर कल ऋषिकेश निकल जाऊँगा। ऋषिकेश ज़्यादा दूर है नहीं, तो लिफ्ट मांग लूँगा किसी से, हाईवे बगल से ही जाता है, तो लिफ्ट मांग के मैं पहुँच जाऊँगा। मुझे बस खाने के पैसे लगते हैं, और किसी चीज़ के नहीं, बस खाने के पैसे लगते हैं। बाकी रहना होना सब मैं मैनेज कर लेता हूँ। तो आप भी यदि घूमना चाहते तो निकलिए, जब तक आप नहीं निकलेंगे ना, तभी तक आपको डर लगेगा, लेकिन जब एक बार आप निकल जाएंगे, काफ़ी अच्छा, एकदम लाइफ स्लो है और काफ़ी सही लगता है। एकदम हर चीज़ को महसूस करेंगे, हर चीज़ को समझेंगे। जैसे वहाँ पर मैं बैठा था, तो आश्रम के गुरुजी से बात बात हो रही, तो काफ़ी चीज़ें समझ में आ रही थी, काफ़ी एक्सपीरियंस हो रहा। वो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, तो उनसे भी काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है।